चिदम्बरम नेशनल कांग्रेस, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, हमारी मांगे पूरी करो, 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 रियासत को बहाल करो, बहाल करो, आईन को बहाल करो, बहाल करो, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, जिंदाबाद। या उनके पूर्वजों ने जो उनके पीछे बुनियाद है वो आरएसएस की है, जनसंघ की है, और ये वही जमात है जिन्होंने न तो हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया, वो तो जब कांग्रेस भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, शहादत दे रहा था, तब भाजपा और तब के जनसंघ ही अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, अंग्रेज़ों की मुखबिरी कर रहे थे, और जब देश आज़ाद हुआ, आईन बना और झंडा हुआ, हमारा तिरंगा झंडा बना, और उसके बाद जनसंघ ने 52 साल तक, सन 2000 तक उन्होंने इस नेशनल फ्लैग को न इस्तेमाल किया, न इसको हाथ लगाया, न इसको रेस्पेक्ट किया। इसलिए आज जो मरकजी सरकार है उनको पता है कि हमारी बुनियाद जनसंघ से है, और आज जो वो घर घर तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उन्हीं जनसंघियों को ये कह रहे हैं कि अब कम से कम 70 साल के बाद झंडा तो लहरा दो। बाकी जो हम लोग हैं, हमने देश को आज़ादी दिलाई, हमने देश को आगे बढ़ाया, तरक्की की रास्ते पर लाया, आईन दिया, और ये झंडा हमने दिया, और देश हमारा, आईन हमारा, झंडा हमारा, हमारा तो हमेशा से इस झंडे के प्रति रेस्पेक्ट रहा है, और जिन्होंने रेस्पेक्ट नहीं किया, ये अपील उनको करनी चाहिए जिन्होंने 52 साल तक झंडे को लहराए नहीं। यात्रा हमारी 75 किलोमीटर की, हर ज़िले में, हिंदुस्तान के तमाम ज़िलों में 75 किलोमीटर 75वें साल आज़ादी पर हमने डिज़ाइन की थी, मगर मौजूदा रियासी हालात ये भी दर्शाता है, एक तरफ अगर सरकार कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमने हालात ठीक किए, मगर दूसरी तरफ ये सबसे बड़ा प्रूफ है आपको कि 6 दिन की 75 किलोमीटर यात्रा हमने दी थी, जिसमें उन्होंने हमें खाली 3 दिन अलाउ किया, जो कल दोपहर को अच्छबल में क्लोज होगी, जो मजमू से, हिलडशाबाद से, सादीवारा से, वेरीनाग से, बट्टुगुंड, जम्बलगाम, और इस वक्त डूरू में हम, जो हमारा सेंट्रल हेडक्वार्टर है, और इससे होते हुए ब्रागम, वाई बमडूरा, लिसर में आज का दिन इख्तिताम होगा। कल हम लिसर, भूचू और खलहार, हिलर, आरहमा, मुरीपोरा, एकिनगाम, बदूड़, बनपोरा, अच्छबल में इसकी क्लोजिंग होगी, और मुझे लगता है कि ये इसमें जिस तरह से लोगों ने मतलब सहयोग किया, सपोर्ट किया, साथ दिया, जगह जगह वालेहाना इस्तेकबाल किया, यही तो कांग्रेस की डिमांड है कि हमें रियासत वापस दो, हमें जमहूरियत वापस दो। जो जमहूरियत यहाँ थी, लोग बात करते थे, लोग हंसते थे, लोग खेलते थे, मगर आज सबकी ज़बानें काट के रखी है। आज गरीबों को जो तकलीफ है किसको बोलेंगे, आज नौजवानों को जो तकलीफ है किसको बोलेंगे। इसलिए कांग्रेस की मोटी डिमांड है इस पदयात्रा के ज़रिए कि हमें हमारी रियासत वापस दो, हमारे हकूक हमें वापस दो, और हमें जमहूरियत दो, एक पॉपुलर सरकार दो, ताकि लोगों की सुनवाई हो, गरीबों की सुनवाई हो, वरना आज के दिन पर गोंगे बहरे बना रखे हैं, और जुल्म सितम भाजपा का है, इसको खात्मा करने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर।